नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। सर, आपका मैं पीके द्विवेदी, जोनल अधिकारी बरुणापार क्षेत्र नगर निगम वाराणसी। सर, आज किस तरह कार्रवाई की? नगर निगम वाराणसी द्वारा सभी मुख्य मार्गों पर, चौराहों पर, तिराहों पर, जहां जहां सड़क के किनारे किसी भी प्रतिष्ठान द्वारा, किसी भी दुकानदार द्वारा ये जो सब्जी और फल के ठेले वाले हैं इनको कंपलसरी रूप से 20 से 50 लीटर के डस्टबिन रखे जाने हेतु इनको निर्देशित किया गया है और इनको कंपेल किया जा रहा है कि ये किसी भी कीमत पर डस्टबिन 20 से 50 लीटर का रखें, सारा कचरा उसमें डालें और उस कचरे को नगर निगम के हापर जो भी आते हैं या नज़दीक में नगर निगम का जो बड़ा डस्टबिन है वहाँ पर डालें, लीटरिंग न करें शहर में। यदि ये करते हैं इसके बावजूद नहीं मानते हैं तो इनको कंपलसरी रूप से अब इनको बाध्य किया जाएगा, इनको दंडित किया जाएगा आर्थिक रूप से। जब तक आर्थिक रूप से पनिश नहीं होंगे ये मानने वाले नहीं हैं। आज यहाँ चेकिंग की गई जालान प्रतिष्ठान के बगल में, यहाँ पे गंदगी पाई गई, प्रताप इंजीनियरिंग वर्क्स और पेट्रोल पंप पे गंदगी पाई गई, इन सब पे 5,000 रुपये का जुर्माना एक लगाया गया है और जितने फल मंडी में ठेले वाले हैं इन सब पे 1,000 रुपए का दंड जो है डस्टबिन न रखने के लिए लगाया गया है। ये निरंतर कार्रवाई जारी है और जारी रहेगी जब तक कि ये लोग डस्टबिन नहीं रखते हैं और कचरा अपने डस्टबिन में रख के नगर निगम के बड़े डस्टबिन में ट्रांसफर नहीं करते। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।